नमस्ते। गांधारी सिंह दिनकर जी की कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप काम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभागिन सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। हर साल 19 जून को वाचन दिवस मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर मैं पढ़ने के फायदे बताना चाहता हूँ। पढ़ना एक अच्छी आदत है और हमारा ज्ञान बढ़ाता है, लेकिन बचपन से ये आदत विकसित करने के अपने फायदे हैं और यह हमारी बुद्धि को भी तेज करता है। एक अच्छा पाठक एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। शरीर के लिए भोजन क्या है, यह दिमाग के लिए पढ़ने के समान है। पढ़ने के महत्व समझकर हम सब पढ़े और बढ़े। धन्यवाद। गुरुदेव नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जिंदगी का सफर। इसके रचयिता है श्री हेमंत। ये जिंदगी का सफर भी कुछ अजीब सा है, लगता इसका हर लम्हा मंजिल के करीब सा है। कभी आंखों में नमी, कभी होठों पे हंसी, हर आलम इसका एक बहते हुए नदी सा है। कुछ रिश्ते टूटे हैं इस सफर में तो, बनते हैं कुछ ख्वाबी नए। देखा भी है कुछ चेहरों को, अपनी आंखों को आंसुओं से धोते हुए। ये हर पल बदलती वक्त की रफ्तार सा। धन्यवाद। मेरा प्रिय गुरुजनों और मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं मेरा परिचय करना चाहती हूँ। मेरा नाम शिवराम जिष्णु है। मैं 8 साल के हूँ। मैं कुंबलम एर्नाकुलम में रहता हूँ। मैं श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर में 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं माता पिता छोटा भाई दादा और दादी के साथ रहता हूँ। मेरा पिता जिष्णु जयप्रकाश मर्चेंट नेवी में काम करता है और माँ शालिनी जिष्णु गृह कार्य करता है। छोटा भाई शिवकेश जिष्णु LKG में पढ़ता है। मुझे चित्र रचना बहुत पसंद है और पसंदीदा खेल चतुरंग है। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद। धन्यवाद।